हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, ये जो पार्सल आया है ये टहरी सुनसरी से आया हुआ है। इस पार्सल में मीटर है और इसको मॉडिफाई करना है, इस मीटर को। तो चले इसे हम लोग अनबॉक्सिंग करते हैं। अब इसको बहुत अच्छे से किया है उन्होंने। फाइनली ये जो है अनबॉक्सिंग हो गया। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ये मीटर है। यहाँ देख सकते हैं ये मीटर का जो डिस्प्ले है वो पूरा तरीका से खराब हो चुका है और इसके वो चेंज भी करेंगे हम लोग और प्लस में इसका मॉडिफाई भी करेंगे। आप देख सकते हैं ये पठाने वाला का। इस मीटर को तो सबसे पहले हम लोग खोल लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं इसमें क्या क्या है, क्या क्या करना पड़ेगा। बाकी सबसे पहले इसको खोलते हैं, इस मीटर को। फाइनली ये देख सकते हैं आप लोग, मीटर खुल चुका है और ये डिस्प्ले भी इसका ख़राब हो चुका है, पूरा पानी जा कर ख़राब हुआ है। देख सकते हैं सब पानी गया है, रस्ट लगा हुआ है पूरा नट में। तो इसको रखते हैं पहले साइड में, उसके बाद ये जो पिन है सारे को डिसोल्डरिंग करेंगे। आप लोग डिसोल्डरिंग वायर से भी कर सकते हैं या डिसोल्डरिंग पंप। सबसे पहले तो ये मीटर को ऑन करके देखते हैं। देख सकते हैं आप लोग, डिस्प्ले तो आ रहा है, मीटर तो ऑन है, बट ये डिस्प्ले में जो नंबर आ रहा है वो पूरा मध्यम आ रहा है, दिख नहीं रहा है सही से, पूरा डिस्प्ले ख़राब हो चुका है। इसको पहले चेंज करेंगे डिस्प्ले को। ये जो है ये पुराना ब्रांड न्यू डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले निकाल के उसमें ये लगाएंगे। सबसे पहले तो हम लोग पेस्ट यूज कर लेंगे ताकि अच्छे से ये सब खुल जाए। ये लिक्विड पेस्ट है, आप चाहे तो मार्केट से ले भी सकते हैं। ये गोल्ड मैक्स का लिक्विड पेस्ट है। देख सकते हैं ये सभी पिन जो है पूरा डिसोल्डरिंग हो चुका है, अच्छे से इसमें से पूरा डिसकनेक्ट हो चुका है। सबको बारीकी से पहले चेक कर लेना है, नहीं तो एक भी पिन कनेक्ट होगा तो ये डिस्प्ले जो है टूट जाएगा। ये डिस्प्ले जो है बहुत पतला होता है और बहुत वीक होता है। सही तरीका से आपको निकालना है, देख सकते हैं निकल गया। सबसे पहले तो हम लोग डिस्प्ले को चेंज करते हैं। सबसे पहले ये जो है डिस्प्ले हाथ में आ गया, ये डिस्प्ले उनका। तो ये देख सकते हैं ये हमारा नया डिस्प्ले है और इसको मॉडिफाई करने के लिए जो ऊपर का पोलराइजर फिल्म जो है इसको निकालना पड़ेगा और डिस्प्ले को पूरा ब्लैक करना पड़ेगा। चले हम लोग निकालते हैं इसे, सही से निकालना पड़ता है नहीं तो ये डिस्प्ले जो है टूट जाएगा पूरा। देख सकते हैं आप लोग, ये जो पोलराइजर फिल्म है इसका निकल चुका है। देख सकते हैं ये जो डिस्प्ले जो है पूरा फुली ब्लैक हो चुका है। जो मॉडिफाई स्टिकर हो गया हमारा, इसके पीछे लगेगा ये स्टिकर। सबसे पहले इसे तो हम लोग लगाते हैं। हाँ
लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्टिकर जो है हम लोग लगा चुके हैं, अच्छे से लग चुका है इसमें स्टिकर। ऑन करके भी आपको दिखाते हैं कैसा दिख रहा है, देख सकते हैं डिस्प्ले में शो कर रहा है। बाकी इसको लगाते हैं अब मीटर में। ये कंप्लीट हो चुका है, इसको साइड में हम लोग रखते हैं। बाकी जो अब मीटर में काम करना बाकी है, इसमें जो लगा है रेड एलईडी लगा है मीटर में, और इसको निकाल के हम लोगों को वाइट एलईडी में करना पड़ेगा, वाइट एलईडी इसमें लगाना पड़ेगा। तो इस सबको निकालते हैं, इस सब एलईडी को। आप सभी देख सकते हैं इसका जो एलईडी है पूरा निकाल चुके हैं, और ये एलईडी इसमें लगेगा, ये वाइट एलईडी है, ये इसे लगाते हैं इसमें। अब यह हमारा जो एलईडी है ये सब लग चुका है इसमें। अब इसको हम लोग लाइन देके चेक करके बताते हैं। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे चार लाइट जल रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ने तो एलईडी लगा दिया, बट ये नहीं जल रहा है, क्योंकि ये जो एलईडी का पावर जो है ये हाई है, उसका जो होता है वो थोड़ा कम होता है इससे, इसीलिए इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में करना पड़ेगा सबसे पहले, तब जाके पूरा एलईडी जलेगा। तो आप लोग आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे एलईडी जो है ये पूरा फिट हो गया है, और इसको सीरीज कॉम्बिनेशन भी कर दिया है। अब इसको चेक करके पावर सप्लाई देख के देखते हैं जलता है या नहीं। पूरा जो एलईडी है पूरा ग्लो कर रहा है, जल रहा है। तो इसमें डिस्प्ले अब लगाते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। सही से डिस्प्ले लगाना है आस्ते आस्ते, कोई पिन जो है इधर उधर ना हो। यहाँ देख सकते हैं डिस्प्ले लग गया। इसको सोल्डरिंग करते हैं पहले, सबसे पहले ये जो पिन है वो सब सोल्डरिंग हो गया है अच्छे से। अब इसमें पावर दे के देखते हैं कैसा दिख रहा है मीटर। तो देख सकते हैं कैसा दिख रहा है मीटर, पूरा जो है रंगीन दिख रहा है, अलग अलग कलर का दिख रहा है। ये जो मीटर 4600 मीटर चला हुआ है, 46,000 वाले। रिपेयर कराना हो या फिर मॉडिफाई कराना है तो इस एड्रेस पे आप कांटेक्ट कीजिए, नंबर दिया गया नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, और आप कुरियर के थ्रू या फिर बस सुमो के थ्रू आप अपने मीटर को भेज सकते हैं। देखिए ये मेरा शॉप है, यहाँ सब किस्म का आपको मीटर मिल जाएगा। टोटल पार्ट्स मिल जाएगा मीटर का, डिस्प्ले कवर रबर सब चीज मिल जाएगा। सो फाइनली गाइस ये जो मीटर है पूरा रेडी हो चुका है, मॉडिफाई मैंने कर दिया है और इसको बॉक्स में भी पैक कर दिया है। सो इसमें पावर देख के देखते हैं कैसा दिख रहा है। रेडी सेडी गो। ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत दिख रहा है,
इसको स्पीड चला के देखते हैं कैसा दिख रहा है। ये यहाँ पे देख सकते हैं स्पीड भी चल रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।